हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एचरेफ, डाउनलोड मीडिया, एचरेफ लैंग, टाइप। मैं आपको सबका मीनिंग भी बताता जाता हूँ। इसे तो यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एचरेफ में वैल्यू ऑफ यूआरएल देते हैं। यूआरएल का मतलब कोई भी वेबसाइट का नाम या फिर आपके वेब पेज का कोई भी डॉक्यूमेंट। रेफरेंस में भी आप किसी वेब पेज का डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या फिर अपने वेब पेज का कोई एक सेक्शन अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं या रेफरेंस में। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, सो स्पेसिफाइज एचरेफ स्पेसिफाइज द यूआरएल एज डेस्टिनेशन वेब पेज और डिफरेंट सेक्शन ऑफ वेब पेज। ओके, डाउनलोड एट्रीब्यूट में हम लोग वैल्यू देते हैं फाइल नेम, यानी कि कौन सा फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं। मतलब डाउनलोड से होता ये है कि डाउनलोड एट्रीब्यूट जो आप यूज़ करते हैं तो यूज़र किसी फाइल को डाउनलोड कर पाएगा। ओके, सो जो फाइल नेम आप देते हैं उसी फाइल नेम से उसका डाउनलोड, जैसे कि एक इमेज है, इमेज का फाइल नेम आप देते हैं गीकी सोर्स। उसका जो डाउनलोड फाइल होगा, जो भी इमेज उसका डाउनलोड होगा, वो उस इमेज का नाम होगा गीकी सोर्स। ओके, स्पेसिफाइज दैट, डाउनलोड का मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफाइज दैट द टारगेट विल बी डाउनलोडेड व्हेन अ यूजर क्लिक्स ऑन अ हाइपरलिंक। मीडिया क्यूरी स्पेसिफाइज व्हाट मीडिया डिवाइस द लिंक्ड डॉक्यूमेंट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट रिडायरेक्ट हो रहा है या फिर जो भी वेब पेज रिडायरेक्ट हो रहा है वह किस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। जैसे कि आप यूज़ करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, आईफोन यूज़ करते हैं, तो किस चीज़ के लिए उस डिवाइस का आप वहाँ नाम दे सकते हैं मीडिया क्यूरी में। मीडिया इक्वल वहाँ उस डिवाइस का नाम दे सकते हैं, जैसे कि आईफोन है, एंड्रॉयड है, और भी जो डिवाइसेस हैं उसका नाम दे सकते हैं आप। और भी बहुत सारे इसमें वैल्यूज लिया जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल के लिए इतनी जानकारी आई होप कि काफ़ी है। एच रेफ लैंग में लैंग्वेज कोड यूज़ करते हैं हम लोग। स्पेसिफाइज द लैंग्वेज ऑफ द लिंक्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट लिंक किया गया है वह उस डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज क्या है। इसमें सिर्फ दो वर्ड्स हम लोग लिखते हैं, यानी कि दो वर्ड्स लैंग्वेज का जो कोड होता है वह दो वर्ड्स में होता है। जैसे कि इंग्लिश के लिए ई एन होता है, तो हम लोग एच रेफ लैंग इक्वल डबल कोट्स के अंदर ई एन लिखते हैं, तो समझा जाता है कि वो जो डॉक्यूमेंट रिडायरेक्ट होगा वह इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। या फिर आप कुछ और कोड भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई किसी और लैंग्वेज में आपका डॉक्यूमेंट है तो। ओके, नाउ टाइप, मीडिया टाइप स्पेसिफाइज द मीडिया टाइप ऑफ द लिंक्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि मीडिया टाइप क्या है, आपका जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट है उसका मीडिया टाइप क्या है। मीडिया टाइप के बारे में एक पूरा लिस्ट है कौन कौन से मीडिया टाइप होता है, जैसे कि होता है आपका टेक्स्ट / HTML, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका पूरा टाइप मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, एंकर टैग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसमें कि हम लोग वैल्यू दे सकते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर पैरेंट, अंडरस्कोर टॉप, फ्रेम नेम, सेल्फ। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टारगेट में कोई भी वैल्यू सेट नहीं करते हैं या फिर आप टारगेट एट्रीब्यूट नहीं लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ उसमें सेट रहता है। ठीक है, ओपन्स द लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन द सेम फ्रेम एज इट वाज क्लिक्ड, दिस इज डिफ़ॉल्ट। ओके, यहाँ इसको हम लोग पढ़ लेते हैं बिकॉज इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस नहीं करेंगे, ये सिंपल सा है। ओके, सो ब्लैंक अगर आप टारगेट इक्वल डबल कोट्स के अंदर ब्लैंक लिखते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने डायरेक्ट करने के लिए दिया है, फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपने रखा हुआ है एचआरएफ में, ठीक है, वह डॉक्यूमेंट एक न्यू टैब में ओपन होगा। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल, इसमें मैंने ब्लैंक का यूज़ किया है। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है जो भी है एचरेफ में www.geekysource.com, टारगेट में लिखा हुआ है ब्लैंक और विजिट गीकी सोर्स मैंने लिखा हुआ है। विजिट गीकी सोर्स आपके वेब पेज में आपको दिखाई देगा जिसमें कि एक लिंक अटैच होगा। जब आप विजिट गीकी सोर्स में क्लिक कीजिएगा तो ये वेबसाइट ओपन होगा एक न्यू टैब में। वाई? बिकॉज आपने अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर टारगेट में लिखते हैं अंडरस्कोर पैरेंट तो जो डॉक्यूमेंट लिंक डॉक्यूमेंट है वह पैरेंट फ्रेम में ओपन होता है। इसी तरह अंडरस्कोर टॉप लिखते हैं तो लिंक्ड डॉक्यूमेंट फुल बॉडी ऑफ द विंडो में ओपन होता है। इस तरह फ्रेम नेम में ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन अ नेम्ड फ्रेम। सेल्फ में ये डिफॉल्ट रहता है, ये सेम फ्रेम में जहाँ इसको क्लिक किया गया वहीं ये ओपन होगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं टारगेट में। ओके, सर, टारगेट का डिस्कशन यही है। आप यहाँ ये वैल्यूज ओपन कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए। अगर आप किसी न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज़ करेंगे। अगर उस पेरेंट फ्रेम में करना चाहते हैं तो अंडरस्कोर पेरेंट का यूज़ करेंगे। अगर अंडरस्कोर टॉप का यूज़ करते हैं तो फुल बॉडी ऑफ द विंडो में ओपन होगा आपका जो भी डॉक्यूमेंट लिंक डॉक्यूमेंट है। सेल्फ तो डिफॉल्ट रहता ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं जो कि REL है। REL मीन्स रिलेशनशिप।
ओके इसमें ये सारे वैल्यूज़ हैं, अल्टरनेट, ऑथर, बुक मार्क, हैव लाइसेंस, नेक्स्ट, नो फॉलो, नो रेफर, प्री फैच, प्री सर्च टैग। आर ई एल का मतलब होता है रिलेशनशिप, इसका पूरा डेफिनेशन जानते हैं। द आर ई एल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड द लिंक्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि दोनों लिंक दोनों डॉक्यूमेंट के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको ये डिफाइन करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है, आर ई एल इक्वल आप लिखते हैं, इसमें से कोई भी एक वैल्यू आप लिख सकते हैं, जब भी रिलेशनशिप ये डॉक्यूमेंट, ये लिंक्ड डॉक्यूमेंट और जो आपका करंट में डॉक्यूमेंट है, दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा उसका आप यहाँ डिफाइन करेंगे, उसी के अनुसार आप यहाँ वैल्यू देंगे। ओके सो नो फॉलो, और यहाँ आप अपना लिंक लिखेंगे, और ये गीकी सोच एक टेक्स्ट। ओके सो इस तरीके से आप एंकर टैग, एंकर सॉरी आर ई एल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं इन एंकर टैग। ओके आगे के वीडियो में हम लोग वन बाय वन सभी एट्रीब्यूट को डिटेल में जानेंगे, बस नहीं जानेंगे तो एक टारगेट एट्रीब्यूट का, बिकॉज टारगेट एट्रीब्यूट ये पिछला एट्रीब्यूट है हमारा, ये टारगेट एट्रीब्यूट इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, जो है बस यही है और सामने दिखाई दे रहा है, और इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ओके सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।